नमस्कार दोस्तों, ये है 10 किंग हेनरीज रोड चौक फार्म लंदन। ये वही घर है जहाँ बाबा साहब अंबेडकर रहते थे 1921 और 1922 के बीच में, जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने लंदन आए थे। मैं आज बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं आज यहाँ पर आ सका, लेकिन भारत के लाखों करोड़ों लोग जो यहाँ पर नहीं आ सकते, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब हम जाएंगे घर के अंदर, जो अभी एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया है। इसे ख़रीदने में और म्यूज़ियम में कन्वर्ट करने में यहाँ के लोकल इंडियंस और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस म्यूज़ियम का अनावरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से 14 नवंबर 2015 को किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक रजिस्टर मेंटेन की गई है जहाँ पर आज 24 जून 2019 की तारीख से मैंने अपना एंट्री कर लिया है। अब हम जाएंगे उस घर के अंदर। आप देख सकते हैं, अंदर जाते ही सबसे पहले है हॉल रूम, बहुत ही बढ़िया हॉल रूम। और ये मीटिंग रूम हुआ करता था, जो भी लोग बाबा साहब से मिलने आते थे यही पर मुलाकात होती थी। ये मेन हॉल रूम जहाँ पर बाबा साहब का स्टैचू का अनावरण किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से ये म्यूज़ियम मेंटेन किया जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। ये है निचला फ्लोर जहाँ पर हमने देखा ये बाबा साहब का हॉल था, जिस छोटा सा स्टडी रूम जो कि अब एक ऑफिस रूम में कन्वर्ट किया गया है। अभी हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर में। दो मंजिलों की बिल्डिंग है ये, फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे है बाबा साहब का लाइब्रेरी और रीडिंग रूम। आप देख सकते हैं, यहाँ बैठ के बाबा साहब पढ़ाई करते थे। अब यहाँ पर उनके सारे वॉल्यूम्स रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं हर जगह पे फायरप्लेस, ताकि यहाँ पर बहुत ठंड रहती है। बाबा साहब के सारे वॉल्यूम्स यहाँ पर रखे गए हैं। ये है रीडिंग लाइब्रेरी, फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट लाइब्रेरी जहाँ पर पढ़ाई किया करते थे बाबा साहब। लाइब्रेरी के पिछले खिड़की से आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लॉन्स पीछे, बढ़िया माहौल। अब हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पर, जो कि है बाबा साहब का बेडरूम। बेडरूम से पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक और रूम है। ये भी रीडिंग रूम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। यह विजिटर्स के लिए टॉयलेट्स, म्यूजियम में आने वालों के लिए वॉशरूम। और ये है बाबा साहब का बेडरूम। बेडरूम में भी देख सकते हैं आप, छोटा सा स्टडी टेबल, उनका चेयर जहाँ पर बैठ के वो पढ़ाई करते थे। बाबा साहब की सारी चीज़ें, बाबा साहब का चश्मा, पेन, चश्मा, बुद्ध प्रतिमा, उनके रेफरेंस की बुक्स।
तो दोस्तों ये वीडियो था हम हज़ारों लाखों करोड़ों भारतवासियों के लिए जो यहाँ पर खुद नहीं आ सकते। थैंक यू।